मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रात को दीदी लेट आए थे तो मैं इनकी शूटिंग नहीं कर पाई। ये है मेरे दीदी और जीजाजी उधर सो रहे हैं, बच्चे भी उठ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये पंजाब में रहते हैं, इनका बेटा नहीं आया, उनको मैं अगले वीडियो में मिलाऊंगी आपसे। ये है मेरे जीजाजी शंकर लाल जी। फ्रेंड्स, तो अभी मैंने सबके लिए चाय बनाई है। तो मैंने पूजा वगैरह सभी कर ली है, अभी सबके लिए नाश्ते में मंगाए हैं मिर्ची बड़ा, जलेबी और साथ में कड्डी। दीदी नाश्ता कर रहे हैं, साथ में तरुण भी बैठा है अपनी बुआ के साथ। जीजाजी नाश्ता कर रहे हैं, सभी का नाश्ता वगैरह हो गया है। अब हम सभी मार्केट जा रहे हैं क्योंकि दीदी ने नया मकान लिया है, उसका मुहूर्त है, इसलिए सभी के कपड़े वगैरह सारा सामान लेने के लिए जा रहे हैं। और दीदी भी एक्चुअल में हमें मुहूर्त का इनवाइट करने के लिए ही पंजाब से यहाँ आए हैं। अभी हम मार्केट पहुंच गए हैं। सबसे पहले दीदी अपने लिए बैंगल्स ले रही है। अब थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का आइटम ले लेते हैं। अभी हम जूस पीने के लिए आए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहे हैं। हाँ जी, अभी रास्ते में रुके हैं तो हमने लिए टिकिया। तो फ्रेंड्स, ये है जयपुर का पुरोहित जी का कटला। तो चलिए अंदर चलते हैं। साड़ियाँ पसंद करते हैं, देखते हैं कौन सी साड़ी जमती है लेते हैं। और इसके अलावा बहुत हमारे शोरूम में देंगे, चेहरे पर मुझे देखते हैं हमारे साथ आप की जाने। साड़ी वगैरह सभी सामान ले लिया है, अब बाहर चल रहे हैं। तरुण की बुआ ने इसको दिलाई है एक साइड बैग, पसंद कर रहा है, देखिए ये। सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है, अब चलो चलते हैं। तो घर पहुंच गए हैं। तरुण की बुआ तरुण के लिए लेके आए हैं बिस्किट केक। A few moments later. खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल, पनीर की सब्जी और रोटी, साथ में सलाद। One hour later. मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, अब मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है। इसलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।